हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर बड़ा संकट। कांग्रेस के 6 मंत्री समेत 17 विधायक बीजेपी के रिसोर्ट में बेंगलुरु पहुंचे। बीजेपी अब ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में जिन विधायकों ने बगावत की है वो ज्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं। सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही थी खींचतान। पार्टी में बगावत पर बोले कमलनाथ, हमने बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोली तो इसलिए बौखला रही है बीजेपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में लगे दंगों के आरोपियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए। योगी सरकार ने वसूली के लिए लगवाए थे। हाई कोर्ट ने यूपी लखनऊ प्रशासन को 16 मार्च तक पोस्टर हटाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, प्रदर्शनों के बहाने महिलाएं ड्रग्स लेकर भड़काऊ नारे लगा रही हैं। बयान की हुई आलोचना। दिल्ली दंगों पर कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया को सौंपी अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया कि लोगों ने कहा है मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने भड़काई हिंसा। दिल्ली पुलिस ने पार्षद ताहिर के भाई शाह आलम को हिरासत में लिया। ताहिर को भगाने में की थी मदद। ताहिर पर आईबी कांस्टेबल की हत्या का आरोप है। कोरोना की वजह से रद्द हो सकता है पीएम मोदी का 17 मार्च का बांग्लादेश दौरा। कोरोना इन्फेक्शन रोकने के लिए सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मुलाकात हुई। केजरीवाल बोले, मेट्रो और बसों को वायरस फ्री किया जा रहा है। कोरोना पर बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, 8 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक हुई है जांच। कोरोना टेस्ट के लिए 46 लैब चालू हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर पूजा की, नरसिंह की अर्चना और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। यूपी के सहारनपुर में कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। मराठियों की राजनीति करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक उत्तर भारतीय को बनाया पार्टी का महासचिव, अहम जिम्मेदारी दी। नीतीश की जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया ने खुद को बताया सीएम उम्मीदवार। अपनी नई पार्टी के पोस्टर और विज्ञापन छपवाए। लंदन में रहती है प्रिया। प्रिया के पिता जेडीयू नेता विनोद चौधरी बोले, बेटी का अपना फैसला, हमारी पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। गुजरात यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस की एनएसयूआई ने एबीवीपी को हराया, मनाया जश्न। चेन्नई में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एआईएडीएमके सरकार से नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में होली मिलन समारोह में हुआ अश्लील डांस, खूब पैसे लुटाए गए। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने आज फूलों से होली खेली, बोले होली प्यार का त्योहार, हुड़दंग का नहीं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।